कर्नाटक चुनावी नतीजे के बाद बिहार कांग्रेस गदगद है। अब बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदलने वाली है, बड़ा उलटफेर होने वाला है। नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता पर बिहार में कांग्रेस जहां बैक फुट पर थी, अब फ्रंट फुट पर खेलेगी। सीटों के बंटवारे पर राजद और जदयू को अब अपने हाथ सचेत करने पड़ेंगे। बीजेपी की हार पर नीतीश कुमार की जदयू भले ही खुश है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे पर बिहार कांग्रेस बार्गेनिंग जरूर करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पार्टी का मनोबल लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ गया है। पूर्णिया में हुई महागठबंधन की महारैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार से अधिक राहुल गांधी की तारीफ की, जबकि जदयू नेत्री लेसी सिंह नीतीश कुमार को देश के भावी पीएम के रूप में सामने रख रही थी। राहुल गांधी की राज्यसभा से सदस्यता जाने से नीतीश कुमार के लिए आगे बढ़ने का रास्ता मजबूत हुआ था, लेकिन अब कर्नाटक परिणाम ने बता दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा असर हुआ है। राहुल गांधी न सही प्रियंका गांधी या मल्लिका अर्जुन खड़गे को पीएम के चेहरे के रूप में कांग्रेस प्रोजेक्ट कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद का चेहरा हो या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव चाहते हैं, दोनों की बिहार में अपनी महत्वाकांक्षा है। लालू प्रसाद चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, और यह तभी संभव है जब नीतीश केंद्र की तरफ रुख करे। नीतीश कुमार के पीएम बनने की जदयू की मुहिम को कर्नाटक चुनाव के बाद धक्का लगा है। कर्नाटक चुनाव से पहले नवीन पटनायक से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। दूसरे ही दिन नवीन पटनायक ने साफ कर दिया था कि वे अकेले चलेंगे, थर्ड फ्रंट का भविष्य नहीं है। उन्होंने जाकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नीतीश कुमार को आईना दिखा चुके हैं। एमके स्टालिन और केसीआर का उत्साह भी उस तरह का नहीं दिख रहा है। बिहार में कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस जहां लोकसभा के लिए 40 सीटों में से 5 सीटें जा रही थी, जिसमें 4 सीट पर महागठबंधन में एक राय बनी भी हुई थी, पांचवी के लिए जिद जारी थी। अब कांग्रेस इससे अधिक सीटों की मांग कर सकती है। बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह केंद्र से लेकर राज्य तक की राजनीति को खूब समझते हैं। वे केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने चुनौती है कि वे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की राजनीति के पैरेलल कांग्रेस की राजनीति को बिहार में ताकतवर बनाए। बिहार विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस के साथ कैसा सलूक किया यह सबको मालूम है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद बिहार कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। आरजेडी लोकसभा चुनाव में विधानसभा उपचुनावों की तरह राजनीति नहीं कर पाएगी। बिहार में कांग्रेस अब फ्रंट रोल में आएंगी। अब तक नीतीश कुमार कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। सबसे पहले वे कांग्रेस से नेताओं से ही मिलने गए थे, और जब तक कांग्रेस के नेताओं ने सहमति नहीं दी तो दूसरे नेताओं से मिलने नहीं गए। अब लगता है कि कांग्रेस की झिझक खत्म हो गई और नया आत्मविश्वास कर्नाटक परिणाम के बाद आएगा। कांग्रेस ने कर्नाटक में अकेले दम पर बड़ी जीत हासिल की, इसीलिए बिहार कांग्रेस अब अधिक सीटों की मांग जरूर करेगी और बिहार में महागठबंधन को ये स्वीकार करना पड़ेगा।